तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से वुलन्स एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धुले जाते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा इजी है वुलन्स को धोना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, बट हमें किस तरीके का मोड हमें वुलन्स को धोने के लिए यूज करना होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डोर ओपन किया है। अभी आप देख सकते हैं कि इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है काफी ज्यादा बड़ा है, और बड़े होने की वजह से मैं यहाँ पर वुलन ब्लैंकेट भी धोंगी। तो सबसे पहले हमें वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर किस तरीके से कपड़े प्लेस करने चाहिए वो देखना है। तो जो सबसे ज़्यादा भारी कपड़ा होगा उसको हम सबसे नीचे डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले खुला करके बिल्कुल ये ब्लैंकेट डाला है। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैंकेट डाला। एंड अब हम बाकी थोड़े जो लाइट हैवी कपड़े हैं उनको डालते हैं, जैसे कि मेरे पास में जैकेट है, वुलन जैकेट है, उसको मैं डालूंगी। और अब बाकी छोटे छोटे जो कपड़े हैं, वुलन स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, हम उनको डालते हैं। कोई भी कपड़े को ड्रम के अंदर रखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जो भारी जो कपड़े होते हैं हम उनको सबसे पहले डालते हैं, देन फिर उसके बाद में उससे कम भारी और सबसे लाइट कपड़े ऊपर आते हैं। इस तरीके से प्लेस करने का रीजन ये है क्योंकि अगर हम कोई भी कपड़े रैंडमली डाल देंगे तो हमारा जो ड्रम है वो आवाज करने लगता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाता, और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करने की वजह से वो थोड़ा सा नॉइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हैवी कपड़ों का जो वेट है वो एक तरफ हो जाता है एंड लाइट कपड़ों का जो वेट है वो एक तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रम जो है वो नॉइज करता है। अगर हम इस तरीके से प्रॉपरली प्लेस करेंगे कपड़ों को तो हमारा जो ड्रम है जब वॉशिंग मशीन रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो वो शोर नहीं मचाएगा। अब मैंने सारे के सारे जितने भी वुलन्स हैं वो इस ड्रम में प्लेस कर दिए। अब मैं इसका डोर जो है वो बंद कर देती हूँ। अब मैं पावर ऑन करती हूँ। यहाँ पर मैंने पावर ऑन किया है। पानी का आउटलेट खोलेंगे। यहाँ पर मैंने पानी का आउटलेट खोल दिया, जिससे कि यह पाइप देख सकते हैं इसके थ्रू वॉशिंग मशीन के अंदर पानी जाता है। वुलन्स को धोने के लिए मैं जेंटल यूज कर सकती हूँ। आप जेंटल या इजी, दोनों में से कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट है जो वुलन फ्रेंडली होता है उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जेंटल यूज करती हूँ। जेंटल का जो लिक्विड डिटर्जेंट है उसको हम इस ड्रॉर में डालेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी पहले वीडियो में मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हम इस ड्रॉर को इस तरीके से खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये पैनल्स बने हुए हैं, और अब आप कपड़ों के हिसाब से इसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया है। अब इसको हम बंद कर देंगे ड्रॉर को। एंड अब आप यहाँ पर आप पावर बटन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले पावर बटन को ऑन करूंगी। इस तरीके से मैंने ऑन किया है, प्रेस किया उस बटन को, एंड सारी मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन हो गई है। और अब मैं इस रोटेटर को रोटेट करूंगी, और ये जो जहां पर एरो दिख रहा है और जहां पर हमारा वूल का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वूल का ऑप्शन स्पेसिफिकली दे रखा है इस वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर मैं इस रोटेटर को रोटेट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है वो वूल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। एंड अब सिंपल है, यहाँ पर वॉश, रिंस और स्पिन के ऑप्शन दे रखे हैं। ये तीनों की तीनों चीजें अपने आप ऑपरेट होती रहेंगी इस वॉशिंग मशीन में। सिर्फ हमें क्या करना है, अब स्टार्ट बटन दबा देना है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया है। एंड ये आप देख सकते हैं ये प्रोसेस का इंडिकेशन है। यहाँ पर हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बंद हो चुकी है, लॉक हो चुकी है, उसका डोर लॉक हो चुका है। ये सारी प्रोसेसिंग इस वॉशिंग मशीन में की जाएगी। एंड यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हमारा एस्टिमेटेड टाइम रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि कितना टाइम हमारे कपड़ों को धुलने में लगेगा। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि 45 मिनट में हमारे जितने भी वुलन क्लोथ्स हैं वो धुल जाएंगे। एंड जैसे 45 मिनट्स होंगे हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। एंड ये आप देख सकते हैं कि अब टब जो है अपने आप रोटेट होना शुरू हो गया। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कपड़ों को सबसे पहले डालना है उनके वेट के अकॉर्डिंग। जो सबसे भारी कपड़ा है वो सबसे पहले डलेगा एंड लाइट कपड़ा सबसे ऊपर। देन फिर उसके बाद में हमें ड्रॉअर के अंदर लिक्विड डिटर्जेंट डालना है, मशीन ऑन करनी है एंड सिंपली हमें मोड्स को ऑपरेट कर देना है। फ्रेंड्स, 45 मिनट बाद में हम अपने वॉशिंग मशीन को खोल के देखेंगे। फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड ऑटोमेटिकली हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बंद हो चुकी है। और अब हम इसमें इसका डोर खोल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसका डोर खोल के देखा एंड ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं काफ़ी अच्छी तरीके से धुल चुके हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से धुले। ये आप देख सकते हैं कि वाइट जो ब्लैंकेट था वो रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से धुला है और पूरा पानी जो है वो निकल चुका है। अगर मैं आपको बिल्कुल निचोड़ के भी दिखाती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज करती हूँ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से आप फुली ऑटोमेटिक मशीन में, एलजी की फुली ऑटोमेटिक मशीन में
सिर्फ ऑप्शन चूज करके, अगर आपको कपड़े वूल के धोने हैं, वूलन्स धोने हैं, तो आप उसमें वूल का ऑप्शन है स्पेसिफिकली, आप उसको चूज करके आसानी से अपने कपड़े बिल्कुल धो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी सारे कपड़े हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं एंड काफ़ी अच्छी तरीके से धुल चुके हैं। बस अब आपको इनको सुखाना है, और अगर आपको इनको सुखाना भी नहीं है और सिर्फ वॉशिंग मशीन में इनको ड्राई करना है, तो यहाँ पर एक ड्राई ओनली का ऑप्शन दे रखा हुआ है। आप अगर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके ये जो वुलन्स हैं वो ड्राई भी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।